नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। प्रदेश पुलिस ने रविवार को कहा कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के बागीपुल इलाके में अचानक आई बाढ़ की वजह से पर्यटक और स्थानीय लोगों सहित 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। मंडी जिला पुलिस के DSP पधर संजीव सूद ने बताया, पराशर झील के पास मंडी जिले के बागलीपुर क्षेत्र में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे मंडी पराशर रोड पर बग्गी पुल के पास पर्यटकों और स्थानीय लोगों सहित 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। DSP सूद ने कहा कि क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मंडी पुलिस ने जानकारी दी कि मंडी में बागी पुल के आसपास बादल फटने के बाद आई बाढ़ के कारण कमान से आगे पराशर की ओर जाने वाली सड़क बंद हो गई है। पुलिस ने कहा कि चंबा से छात्रों की एक बस और पराशर से वापस आ रहे कई वाहन फंस गए। पुलिस ने कहा उनके रात में रहने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, क्योंकि आज रात सड़क खुलने की कोई संभावना नहीं है। इस बीच प्रदेश में पंडोह मंडी NH पर 4 मील से 7 मील के बीच कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है। पुलिस ने बताया कि नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है और उसे खुलने में वक्त लगेगा। अधिकारियों ने बताया कुल्लू से छोटे वाहन पंडोह से सुंदरनगर, चंडीगढ़ से नेर चौक की ओर चेल चौक से गुजरते हैं। पुलिस ने आगे कहा कि कमान के पास भारी भूस्खलन के कारण बंद कोटोला के रास्ते मंडी कुल्लू मार्ग कल खुलने की उम्मीद है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।